हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और यह वीडियो है लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि पूरी पॉलिटी खत्म होने वाली है इस सीरीज के थ्रू। पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू हम रिवाइज करेंगे और पॉलिटी को कोशिश करेंगे खत्म करें। और पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसे देख ले पहले, ठीक है। तो यह है लेक्चर नंबर सेकंड, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल आज का, द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है वो किस एक्ट पर आधारित है, बेस्ड है। तो आसान सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विल बी द आंसर। अगर हम बात करें 1909 की बात करें तो ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पुट टू एन एंड। तो किस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल एक्टिविटीज था वो खत्म कर दिया गया था फाइनली। तो वो एक्ट है 1833 का, ये चार्टर एक्ट। ऑप्शन होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो करेक्ट आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, जो कमर्शियल एक्टिविटीज था, सॉरी मोनोपोली नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज था, उसको खत्म करके इसको कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था, कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला सवाल हमारा, विच of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over the government of India। तो इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर जो सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कहाँ पे बेस्ड था, लंदन में, लंदन से रूल डायरेक्ट रूल होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी इंडियन गवर्नमेंट को थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि जो रिवोल्ट हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल थी उसको खत्म करके डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दिया गया था, और इसको रूल किया जा रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से, के थ्रू, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर, तो किस एक्ट के बाद पहली बार डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मतलब क्या होता है कि टू हाउस, जैसे कि अभी हमारे देश में है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउस है। तो सबसे पहले किस एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया कि भाई अब डायरकी की जरूरत है, दो हाउसेस की जरूरत है। तो इसका आंसर भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, दैट इज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वेयर द मेन फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का फीचर क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, तो ये आई थिंक 1909 में लाया गया था। तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, आंसर में नहीं होगा। दूसरा होगा डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर, ये हो सकता है। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स, तो ठीक है, टू एंड थ्री विल बी आंसर। वन 1909 में था, दैट इज मॉडल इवेंट रिफॉर्म्स में था, तो ये नहीं होगा, दैट इज टू एंड थ्री। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले सवाल पे, इन द फेडरेशन अंडर द एक्ट ऑफ 1935 में जो फेडरेशन बनाया गया था उसमें रेसिड्यूरी पावर्स वेयर गिवन टू, रेसिड्यूरी पावर्स किसे दिया गया था। ऑप्शन इज फेडरल लेजिस्लेचर, प्रोविंसियल लेजिस्लेचर्स, गवर्नर जनरल और प्रोविंसियल गवर्नर। तो बहुत ही आसान सवाल है, गवर्नर जनरल के पास था रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है, जो कहीं लाई नहीं करता है, ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ना सेंट्रल लिस्ट में लाई कर रहा है और ना ही स्टेट लिस्ट में लाई कर रहा है, प्रोविंशियल लिस्ट में, तो बच गया है, ठीक है। तो उसे कहते हैं रेसिड्यूरी पावर, और वह उस पर कौन लॉ बनाएगा, तो गवर्नर जनरल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम,
आई थिंक सेम सवाल है जो रिपीट हो गया, बाइक कैमरल मतलब टू हाउसेस दैट इज डायरकी, और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है, द करेक्ट आंसर विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन और लिस्ट टू। पहला लिस्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, लिस्ट टू दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 1909 को क्या बोलते हैं, माउंट बैटन प्लान बोलते हैं, नहीं सामन कमीशन, नहीं बाद में आया था माउंटेक चेम्सफोर्ड, ये बोलते हैं 1919 को, तो बी का हो जाएगा थ्री, और मॉडल मेंटल फॉर्म्स बोलते हैं 1909 को, तो ए का होगा फोर, तो ए का फोर, बी का थ्री, सी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन एंड ज्वाइंट सेलेक्ट रिकमेंडेशन कमेटी 43, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 4321, ठीक है, तो इसका सी का हो जाएगा बी और डी का वन, माउंट बैटन प्लान के बाद ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, तो 4321 विल बी आंसर, सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल, इन विच ईयर डिड द पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बहुत ही आसान सवाल है, किस ईयर में, तो 1949 में, आई थिंक 26 नवंबर 1949, और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया था। ठीक है, तो आंसर विल बी 1949। तो हमारा नेक्स्ट और अगर लास्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान बना था इसका बिगेस्ट सोर्स क्या था, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ये नहीं है, तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये था पहला चैप्टर का सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन था उसके बेस्ड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर के सवाल हम अगले वीडियोस में देखेंगे, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक। ओके, थैंक यू।